इस सेक्शन में हम नल वेक्टर पर डिस्कस करेंगे। नल वेक्टर को डिस्कस करने से पहले हमें वेक्टर के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा, जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। तो नल वेक्टर क्या चीज होती है? वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया गया था? ग्राफिकली वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया था। ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, और ये जो एरो है ये क्या बताती है? वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। तो इसमें ये वेक्टर का क्या है, मेरे पास टेल है, ये वेक्टर की टेल है, और ये वेक्टर का यहां पर ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनेट हो रहा है यहां पर। ये इसको मैं इनिशियल पॉइंट भी बोल सकता हूं, अगर इनिशियल बोलूंगा तो फाइनल बोलूंगा, टेल बोलूंगा तो टर्मिनल बोलूंगा, अगर इसको मैं स्टार्टिंग बोलूंगा तो इसको एंडिंग बोलूंगा। इसका मतलब हमारे केस में अगर कोई ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी, ए और बी के बीच की जो लेंथ है वो इस वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब नल वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, हमें ये सोचना पड़ा। नल वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो। अगर नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर की मैं बात करूं, इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं जो मेरे पास ए बी वेक्टर है, और ये कैसा वेक्टर है, एक नल वेक्टर अगर है, तो नल अगर वेक्टर होगा तो नल वेक्टर के अंदर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, ये वाली लेंथ क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, कोइंसाइड करते हों, जिसका टेल और टर्मिनल पॉइंट क्या करते हो, कोइंसाइड्स करते हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या करते हो, कोइंसाइड्स करते हो। ऐसे वेक्टर को क्या नाम दिया गया, नल वेक्टर का नाम दिया गया। इसका मतलब नल वेक्टर यहां पर क्या बनेगा, अगर ए बी मेरे पास नल वेक्टर है तो उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और उसका फाइनल पॉइंट जो बी है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड्स करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास जो वेक्टर, इसका मतलब क्या बनेगा, ए ए वेक्टर, ये ए ए वेक्टर क्या बनेगा, दैट इज ए नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहां पर ए स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंडिंग पॉइंट भी क्या है, ए है, इसका टेल भी ए है, इसका टर्मिनल भी है ए है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है, एंडिंग पॉइंट भी है, इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है। तो ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल एंड फाइनल या टेल और टर्मिनल आपस में क्या करते हो, कोइंसाइड्स करते हो, ऐसे वेक्टर को हमने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड द नल वेक्टर। या मैं एग्जांपल और बताऊं तुम्हें, जैसे मेरे पास क्या है, बी बी वेक्टर, ये वेक्टर भी मेरे पास कौन सा है, नल वेक्टर है। क्यों? इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड्स कर रहे हैं। इसका हमारे केस में टेल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड्स कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर को हमें क्या कहना पड़ा, ये वेक्टर क्या है, नल वेक्टर है। तो नल वेक्टर की डेफिनेशन क्या बन गई, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज टू बी जीरो, सच टाइप ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड द नल वेक्टर। अगर मैं अब एग्जांपल से आपको इस नल वेक्टर को समझाऊं तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। सपोज करो मेरे पास ये एक रोप है, इस रोप को ये वाला पर्सन, ये जो पर्सन है मेरे पास, एक पर्सन ये है, ये पर्सन इस रोप को इधर खींच रहा है जैसे, और ये वाला पर्सन, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है,
इस रोप को इधर खींच रहा है, मींस ये वाला पर्सन इस रोप को इस डायरेक्शन में खींच रहा है और ये वाला पर्सन इस रोप को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, लेकिन सेम फोर्स से खींच रहा है। क्या ये रोप चल पाएगा यहां से? नहीं चल पाएगा। इसका मतलब इस रोप का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? जीरो बनेगा। मींस एक हमने रस्सा लेना है, उस रस्से को एक पर्सन इधर खींचे और दूसरा पर्सन इधर खींचे, लेकिन खींचे किस कैसे? इक्वल फोर्स से खींचे। तो ये वाला एग्जाम्पल किसका बनेगा? नल वेक्टर का बनेगा। या मैं ये कहूं, हमारे पास किसी कार के एक्सलरेशन को स्टडी में करूं और वो कार कॉन्स्टेंट स्पीड से क्या कर रही है? एक्सलरेट कर रही है। मींस एक्सलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द एक्सलरेशन। अगर हर पॉइंट के ऊपर कार सेम वेलोसिटी से एक्सलरेट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में क्या नहीं आ रहा? चेंज नहीं आ रहा। तो एक्सलरेशन जो का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसका मतलब कोई भी कार, अगर हम उस कार के एक्सलरेशन को स्टडी करें और वो कार किसी कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, तो उस कार का जो एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल को हमने क्या नाम दिया? नल वेक्टर का नाम दिया, क्योंकि इसमें जो एक्सलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उस वेक्टर एक्सलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो हमने क्या कहा? ये एक नल वेक्टर है, ये एक्सलरेशन एक नल वेक्टर है। या मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूं, सपोज करो हम उस ट्रेन की वेलोसिटी को स्टडी करें जो ट्रेन एक स्टेशन के ऊपर रुकी हुई है। मीन वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर वो एक हम ऐसे वेलोसिटी को स्टडी करें, मीन उसकी वेलोसिटी तो कितनी है? जीरो है अगर वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो होगी, ईस्ट वेस्ट में खड़ी हुई है, नॉर्थ साउथ में खड़ी हुई है, उसी डायरेक्शन में तो जरूर खड़ी होगी। तो हमने नल वेक्टर के एग्जाम्पल को, कौन से एग्जाम्पल को जब स्टडी किया, हमने किसी ट्रेन की वेलोसिटी को स्टडी किया और वो ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हुई है, तो उस ट्रेन की वेलोसिटी कितनी? क्योंकि उसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही, वो क्या है? स्टेशन के ऊपर रुकी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है? जीरो आ रही है, क्योंकि जब तक उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है मेरे पास? जीरो है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो किसके हैं? नल वेक्टर्स के हैं। तो नल वेक्टर वो वेक्टर होगा, अगर हमें डिफाइन करना हो तो नल वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज टू बी जीरो। अब ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था, तो ऐसे नल वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया गया? जीरो के ऊपर हमने क्या लगा दिया? एक एरो लगा दिया, और ये क्या बन गया? नल वेक्टर बन गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो है। इससे अगले वाले सेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को स्टडी करेंगे। वेक्टर के इस सेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे, और यूनिट वेक्टर को डिस्कस करने से पहले हमें वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करना होगा। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। वेक्टर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हमने इस एरो से रिप्रेजेंट किया था। यहां से लेकर ये वाला जो वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और ये जो तीर का निशान है ये वेक्टर की हमें क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है।
तो इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम जब यूनिट वेक्टर को डिस्कस करने चले तो इस यूनिट वेक्टर को डिस्कस करने से पहले हमें एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना होगा। उस एग्जांपल की हेल्प से हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे। ये हम वेक्टर्स की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर यूनिट वेक्टर को डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, हमें एक फ्लैट सरफेस लेना होगा। जैसे ये मेरे पास कोई फ्लैट सरफेस है और ये फ्लैट सरफेस क्या है, सपोज करो कोई रोड है। इस रोड के ऊपर ये कोई क्या रखा हुआ है, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो पर्सन है क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पर्सन क्या लगा रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ये बात आएगी कि ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। इसके ऊपर ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मीन्स सबसे पहले इस पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्ट किया है, कोई ना कोई फोर्स एक्ट किया है। इसका मतलब हम फोर्स के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन लगाया। यहां पर ये 20 क्या, एन क्या चीज है, न्यूटन ने फोर्स को डिस्कवर किया था तो न्यूटन को रेस्पेक्ट देने के लिए हमने यहां पर न्यूटन लगाया है। लेकिन ये 20 क्या चीज है, ये जो 20 है ना, ये एक माप है। माप का मतलब हमने मापा है, इसने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 फोर्स लगाया है। इसका मतलब 20 जो है ना, इस फोर्स का क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है। जब ये 20 न्यूटन लगा है तो ये वाला ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक्सलरेट करके इधर आ गया, यहां से यहां पर आ गया। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो पहले यहां पर था, अब वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आ गया इस 20 न्यूटन के एक्ट करने पर। इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट क्या, एक्सलरेट किया और कौन सी डायरेक्शन में चला, हमने माना सपोज करो टुवार्ड्स टुवार्ड्स, या तो ये ईस्ट चला या ये किधर चलेगा, नॉर्थ चलेगा, टुवार्ड ईस्ट चला, हमने ये माना। इसका मतलब ये टुवार्ड ईस्ट क्या चीज है, ये टुवार्ड ईस्ट इस फोर्स की डायरेक्शन है। अब इस टुवार्ड ईस्ट को हमें रिप्रेजेंट करना था। हमें 20 का तो पता लग चुका, 20 क्या चीज है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस वेक्टर के मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसका मतलब ये इस वेक्टर, ये 20 न्यूटन क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 20। इसका मतलब ये जो 20 न्यूटन है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब साइंटिस्ट के सामने इस टुवार्ड ईस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका बनाया। और ये टुवार्ड ईस्ट क्या चीज है, इस फोर्स की डायरेक्शन है। तो उन्होंने कहा हम इस डायरेक्शन को जिस भी वेक्टर है उसके उसी वेक्टर के उस सिंबल के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक कैप लगा देंगे। और ये क्या बन गया, इसी वेक्टर की या क्या बन गया, डायरेक्शन बन गया। इसका मतलब ये हमने इसको क्या कहा, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये क्या, हम इसका मतलब हमने क्या बना दिया, एक सिंबल बना दिया। और डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर से। यहां पर तो हम कह रहे हैं यूनिट वेक्टर, और यहां पर कह रहे हैं ये सिर्फ क्या चीज है, डायरेक्शन है किसकी, फोर्स की। इसका मतलब हमें यहां पर जो ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर को अब डिफाइन करना था। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन होगा, लेकिन वो किसके अलोंग होगा, वो जिस भी वेक्टर, जो भी वेक्टर है उसी के अलोंग होगा।
जैसे ये एफ कैप है, ये एफ कैप क्या चीज है, ये यूनिट वेक्टर है, किसके अलोंग है, ये फोर्स के अलोंग है, मीन्स ऐसे फोर्स लग रहा है तो इसी के अलोंग ये क्या बता देगा, इस फोर्स की डायरेक्शन को बता देगा। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर देगा। तो हमें अगर मैं ये कहूं यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इज ए डायरेक्शन अलोंग दैट वेक्टर, ये गलत नहीं होगा। जैसे मैं इसको क्या कह रहा हूं, एफ कैप, एफ कैप मेरे पास क्या है, एक ये मेरे पास एक डायरेक्शन है, ये मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर को अगर मैं समझना चाहता हूं तो ये मेरे पास क्या है, एक डायरेक्शन है, और किसकी डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये जो यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूं, ये यूनिट वेक्टर हमें क्या बता रही है, ये यूनिट वेक्टर मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग द फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन। अब इसको जैसे ये मैं क्या कह रहा हूं, दैट ये यूनिट वेक्टर, पर यहां पर क्या है, ये डायरेक्शन टुवर्ड द ईस्ट। अगर मैं इसको वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वन क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है, और ये एफ कैप क्या चीज है, टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये क्या बन गया, ये एक वेक्टर बन गया ना, और ये कौन सा वेक्टर बन गया, एक यूनिट वेक्टर बन गया, जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना है, यूनिट है, और ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर। इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर इज ए दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज टू बी वन। अगर मैं अब बात करूं तो हमने यूनिट वेक्टर को क्या कहा है, यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन अलोंग दैट वेक्टर। अगर इसको हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में समझना हो तो मेरे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये मेरे पास वाई और ये जेड, और मैं ये कह रहा हूं एक्स के अलोंग क्या डायरेक्शन है वेक्टर की, वाई के अलोंग क्या डायरेक्शन है वेक्टर की, जेड के अलोंग क्या डायरेक्शन है वेक्टर की। तो हम हमेशा यूनिट वेक्टर को किससे डिफाइन करेंगे, यूनिट वेक्टर हमेशा क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा अलोंग वेक्टर। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा। वाई डायरेक्शन के अलोंग जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा। जेड डायरेक्शन के अंदर अलोंग जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा। अब यूनिट इधर, यूनिट इधर, यूनिट इधर, ये तो कंट्रोवर्सी की बात हो गई। एक्स के ऊपर भी यूनिट वेक्टर, वाई के ऊपर भी यूनिट वेक्टर, जेड के ऊपर भी यूनिट वेक्टर बता रहा है डायरेक्शन को। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें हर एक्सिस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर है उसको अलग अलग एक सिंबल दे दिया। जो एक्स एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन बताएगा वेक्टर की, वो कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आई, तो उसको हम आई कैप से डिनोट कर देंगे। मींस आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस के ऊपर, क्योंकि आई को तो मैंने डिफाइन कर दिया एक्स के ऊपर, तो वाई के ऊपर हमने डिफाइन कर दिया जे, जे कैप, तो जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। जेड के ऊपर हमें डिफाइन करना था, तो जेड के ऊपर हमने क्या डिफाइन कर दिया, स्मॉल के कैप, के ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज टू बी यूनिट एंड दैट गिव डायरेक्शन अलोंग दैट वेक्टर, दैट इज द यूनिट वेक्टर। अब हमने अगर ये डिफाइन किया है तो इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस फोर्स के अंदर ये 20 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये इसका फोर्स क्या बन गया, इसका मैग्नीट्यूड।
ये बन गया। और ये क्या चीज है? टुवार्ड ईस्ट, इसकी डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास ये चीज बना। इसका मतलब यहां से मैं यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन निकालने की कोशिश करूं तो यूनिट वेक्टर क्या बन गया मेरे पास, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स, जो वेक्टर है मेरे पास फोर्स का वेक्टर डिवाइडेड बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है, अगर इसको इधर डिवाइड कर दूं इसके मैग्नीट्यूड से और इसको इधर भी डिवाइड कर दूं इसके मैग्नीट्यूड से, तो यहां से ये वाला चीज कट जाएगा और क्या बच जाएगा, एफ, ये वाला पोर्शन ये बच गया, यहां से ये कट गया तो एफ कैप बच गया और यहां से ये वाला बच गया, हमारे पास ये वाला बन गया। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या देगा, ओनली डायरेक्शन बताएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन अलोंग दैट वेक्टर। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर था। इससे अगले सेक्शन के अंदर हम इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, इन सब को स्टडी करेंगे। इस सेक्शन में हम टाइप ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे, और जो पहली वेक्टर की टाइप है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, नल वेक्टर। सेकंड जो टाइप है वो है यूनिट वेक्टर, और जो थर्ड टाइप है वो है इक्वल वेक्टर। मीन्स दो वेक्टर इक्वल किस कंडीशंस के ऊपर होंगे। एक मेरा वेक्टर है ई ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, दूसरा मेरा वेक्टर है ई एफ डायरेक्टेड फ्रॉम ई टू एफ। इसका मतलब जो मेरा ए एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ए वेक्टर मेरा क्या होगा, ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ई एफ। ये दोनों पैरेलल कब होंगे, किस कंडीशंस के ऊपर होंगे। नंबर वन, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए बी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ई एफ वेक्टर। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर का मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये कंडीशन होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर इस वेक्टर की, ए वेक्टर की डायरेक्शन ए टू बी है तो इस वेक्टर की डायरेक्शन भी ई टू एफ होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, तो हमारे पास बी वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, ई टू एफ, ये होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एफ टू बी इसकी हो। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, इन दोनों वेक्टर का सेम मीन्स बराबर का बराबर, ये लाइन इसको सपोर्ट करे, ये लाइन इसको सपोर्ट करे, मीन्स क्या हो, सेम और पैरेलल सपोर्ट हो। इस वेक्टर का ये पैरेलल सपोर्टिंग हो, इस वेक्टर का ये पैरेलल सपोर्ट हो। तो ये तीन कंडीशंस अगर दो वेक्टर के बीच में सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं। अब हम बात करते हैं एक इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं,
इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, अगर ये मैं कहूं ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल होंगे किस कंडीशंस के ऊपर होंगे, तो हमने स्टडी किया। तो इक्वल के लिए कितनी कंडीशंस होनी चाहिए, 3 कंडीशंस होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, क्या ये दोनों वेक्टर लाइक हैं, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, लाइक वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो लाइक वेक्टर कौन से होंगे, लाइक वेक्टर वो वेक्टर्स होंगे जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, लाइक वेक्टर। मींस लाइक वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो इक्वल वेक्टर हैं वो किसके बराबर होंगे, लाइक वेक्टर्स के बराबर होंगे। या मैं ये कह दूं जो लाइक वेक्टर है ना, वो लाइक वेक्टर किसके बराबर होंगे, इक्वल वेक्टर के तो बराबर होंगे, बट इक्वल वेक्टर क्या नहीं होंगे, लाइक वेक्टर के बराबर नहीं होंगे। क्यों, इक्वल लाइक वेक्टर तो क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, करेंगे। तो हमने ये कह दिया लाइक वेक्टर आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर, बट ये कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई ना भी हो तो भी ये लाइक जरूर होंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उन वेक्टर को हम क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर कौन से होंगे, इसका मतलब अनलाइक वेक्टर वो वेक्टर होंगे जिनकी डायरेक्शन क्या ना हो, सेम ना हो। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, अनलाइक वेक्टर। जैसे हमारे पास ए वेक्टर की डायरेक्शन तो क्या हो, ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है मेरे पास क्या है, इसकी ए टू बी है डायरेक्शन। और जो बी वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन क्या बन गई मेरे पास, सपोज करो एफ टू ई, तो ये तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ये वेक्टर लाइक नहीं है, कैसे हैं, अनलाइक वेक्टर्स हैं। अगर अब हम बात करते हैं को इनिशियल्स वेक्टर की, मींस जिन वेक्टर की इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उन सब वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, को इनिशियल। को का मतलब को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिन जो दो या दो से अधिक वेक्टर, जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे मेरे पास इनिशियल पॉइंट ये है, एक वेक्टर का इनिशियल मैंने नाम दिया ओ इनिशियल पॉइंट है, किसका, ए वेक्टर। क्या है ये मेरे पास, ए वेक्टर। इस ए वेक्टर ये मेरे पास कौन सा है, पॉइंट में नाम दे रहा हूं बी का, ये कौन सा हो गया मेरे पास, बी वेक्टर। ये मेरे पास कौन सा हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूं, ये मेरे पास सी वेक्टर हो गया। ये मेरे पास कौन सा वेक्टर हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूं डी वेक्टर। ये मेरे पास कौन सा हो गया, डी वेक्टर। ये मेरे पास सपोज करो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, एफ, और ये कौन सा हो गया, एफ वेक्टर। तो मेरे पास कितने वेक्टर हैं, ए बी सी डी एफ, कितने वेक्टर हैं मेरे पास, 5 वेक्टर हैं। इन पांचों का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। मीन्स ऐसे वेक्टर दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो उन वेक्टर को हमने क्या नाम दिया, दे आर कॉल्ड द इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर्स। अब हमारे पास को ऐसे इसको स्टडी करने के बाद अब हमारे पास एक ऐसा वेक्टर भी तो एग्जिस्ट कर सकता है जिसको हमने क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, और मैं ये कह रहा हूं ये बी वेक्टर जो है
वो क्या है, ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। इसका मतलब इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर के बराबर ही होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर के क्या होगी, अपोजिट होगी। इसका मतलब ये जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर का क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। हमने क्या बात कही है, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और ये मैं क्या कह रहा हूं, बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। इसका मतलब जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर ही होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर के क्या होगी, अपोजिट होगी। और उसको हमने रिप्रेजेंट क्या कर कैसे कर दिया, तो जो बी वेक्टर है वो क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर। मीन्स इस जो ये बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर ही है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर से क्या है, अपोजिट है। ऐसे वेक्टर को जैसे मैं कहूं, अगर मेरे पास कोई ये ओ एक वेक्टर है, ओ ए, इसकी डायरेक्शन इधर है ए वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो किधर एक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा जो ओ ए बीच का डिस्टेंस है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसके बिल्कुल अपोजिट। इसका मतलब ये जो इसका इतना जो ये मैग्नीट्यूड है उतना का उतना मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, अपोजिट बन जाएगी। इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर बन गया, इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बन गया। अब जो एक लास्ट टाइप का वेक्टर है वो है पोजिशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो लास्ट वेक्टर है टाइप, वो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिफाइन करना पड़ा। ये मेरे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मीन्स ये मेरे पास एक जर्नलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये स्पेस है। मींस जैसे मैं बात करूं, ये को मैं जिस कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्पेस की बात कर रहा हूं। इस स्पेस के अंदर कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P नाम दिया, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है। तो हमने क्या कहा, ये पॉइंट जो है किसी पोजिशन के ऊपर है, किसी स्पेस के अंदर है, तो हमने इसका मतलब इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट के ऊपर एक लाइन को ड्रॉ किया, और ये मेरे पास क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया। इसका इनिशियल पॉइंट O है, इसका फाइनल पॉइंट P है। तो ये P क्या चीज है, P जो है मीन्स ये मैं इसको इस वेक्टर को नाम दे दूं A वेक्टर, और A वेक्टर क्या होगा, इसका मतलब A वेक्टर दैट इज इक्वल टू डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कौन सा बन गया, OP वेक्टर। मीन्स ए वेक्टर जो है वो क्या बता रहा है, ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, पॉइंट पी का, किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हमारे पास जो ये मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर, ये ए वेक्टर क्या बता रहा है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन बता रहा, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स को हमने स्टडी किया। थैंक यू।